हेलो एवरीवन, आई एम मोहम्मद आसिफ एंड आई एम योर इंग्लिश ट्रेनर। सो डियर स्टूडेंट, आज मैं एक वीवर की एक क्वेरी को लेकर यहाँ पर आया हूँ। एक्चुअली मैंने आपको एक स्ट्रक्चर पढ़ाया था, हैज़ टू एंड हैव टू, ठीक है। मैंने उसमें दो सेंटेंसेस बोले थे। एक तो बोला था मैंने कि मुझे जाना है, और इसी को मैंने दूसरे अंदाज में बोला था कि मुझे जाना पड़ता है। तो वो ये कह रहा है कि सर, जब हमें जाना है या जाना पड़ता है, ये तो दो अलग अलग सेंटेंसेस हो गए, लेकिन आपने हैज टू और हैव टू से ही सेंटेंस बनाए हैं। तो यहां पर मैं आपका वो डाउट क्लियर करने वाला हूं कि वो ऐसा क्यों हुआ। मैं आपको बता देता हूं, एक्चुअली यहां पर दो चीजें हैं। एक तो क्या हैज टू हैव टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, दूसरा है इज टू एम टू आर टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। अब एक्चुअली इनमें डिफरेंस है। इनमें क्या डिफरेंस है देखिएगा, जब भी हैज टू एंड हैव टू को आप यूज करेंगे, वो फॉर एक्सटर्नल कंपल्शन। अब कंपल्शन क्या होता है? कंपल्शन यानी कि मजबूरी, यानी कि जब हमारे ऊपर कोई बाहरी प्रेशर हो, एक्सटर्नल प्रेशर हो, एक्सटर्नल कंपल्शन हो, यानी कोई ऐसी मजबूरी हो जो किसी के दबाव में वो काम किया जा रहा हो या करना है वो काम, तो वहां पर किसका यूज करेंगे हम? हैज टू हैव टू का। और जब हमारे पास कंपल्शन कैसा हो? इंटरनल हो, यानी कि बाहरी कोई प्रेशर नहीं है, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम लेकर कर रहे हैं वो काम, ठीक है, वहां पर हम किसका यूज करेंगे? इज टू एम टू आर टू और उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यानी जब हमारे पास एक्सटर्नल कंपल्शन होगा तो हैज टू हैव टू का यूज कर लेंगे, और जब हमारे ऊपर इंटरनल कंपल्शन होगा, इंटरनल का मतलब कोई बाहरी प्रेशर ना हो वो काम करने के लिए, तो हम इज टू एम टू आर टू को यूज कर लेंगे। अब आप ये कह रहे होंगे कि सर, यहां पर आपने दो सेंटेंस लिखे, मुझे जाना पड़ता है और एक मुझे एग्जाम की तैयारी करनी है, तो यहां पे कौन से कंपल्शन हुए? एक्सटर्नल कंपल्शन हुआ या इंटरनल कंपल्शन हुआ? देखिएगा, आप हिंदी से जज ना करें। अगर आप हिंदी सेंटेंस से ये जज कर रहे हैं कि भाई ये एक्सटर्नल कंपल्शन है और ये इंटरनल कंपल्शन है, तो आप गलत कर रहे हैं। एक्चुअली क्या है, अंग्रेज जो लोग थे उनको हिंदी नहीं आती थी, उनको कैसे मालूम होता था कि हमें हैज टू हैव टू का यूज करना है या इज टू एम टू आर टू का यूज करना है? उनको पता चलता था डेफिनेशन से, इंग्लिश की डेफिनेशन से उनको मालूम होता था कि हाँ, कि कब हमें हैज टू का यूज करना है, कब हमें इज टू एम टू का यूज करना है। तो वो कैसे पता लगाते थे? जब उनको लगता था कि ये जो मैं काम कर रहा हूं, ये जो काम मुझे करना है या करना पड़ता है, अगर वो एक्सटर्नल कंपल्शन की वजह से करना पड़ता है या करना है, तो वहां पर हैज टू हैव टू का यूज कर लेते थे, और अगर वो इंटरनल कंपल्शन की वजह से करना पड़ रहा है, तो वहां पर वो इज टू एम टू का यूज कर लेते थे। जैसे कि मैंने यहां पर एग्जाम्पल लिखे, मुझे जाना पड़ता है। अब मैंने, आपने सोचा कि पड़ता है, लिखना पड़ता है, बोलना पड़ता है, तो यहां पर कंपल्शन सीधा सीधा नजर आ रहा है, ठीक है, मुझे जाना पड़ता है, तो आई हैव टू गो। अब मैंने दूसरे एग्जाम्पल लिखा, मुझे एग्जाम की तैयारी करनी है। अब यहां पर एक बात बताइए, मुझे एग्जाम की तैयारी करनी है, ना है, नी है, ने है आया, लेकिन यहां पर कंपल्शन कौन सा है? यहां पर भी एक्सटर्नल कंपल्शन है। क्यों? क्योंकि एग्जाम का प्रेशर है। अगर एग्जाम नहीं होते तो शायद हम तैयारी ना करते, लेकिन एग्जाम है, एग्जाम का प्रेशर है, यानी कि एक्सटर्नल कंपल्शन है, तो यहां पर भी हम किसका यूज कर सकते हैं? हैव टू का। जैसे आई हैव टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम, समझ गए ना आप? तो जब भी आपका इंटरनल कंपल्शन हो तो इज टू एम टू आर टू का यूज कर लें, और एक्सटर्नल कंपल्शन हो तो हैज टू हैव टू का यूज कर लें। एक एग्जाम्पल देखते हैं। चाहे सिंपली मैं कहूँ कि मेरा रोज जल्दी उठने का रूटीन है, तो अब मैं कहूँगा किसी से, क्या मुझे ना सुबह जल्दी उठना है, सिंपल, किसी का प्रेशर नहीं है। अगर सिंपली आपको कोई प्रेशर नहीं दे रहा है, एक्सटर्नल कंपल्शन नहीं, तो मैं सीधा बोल सकता हूँ आई एम टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग टुमोरो, कि मुझे कल सुबह जल्दी उठना है, ओके और अगर ये कहना हो आपका रूटीन नहीं है 4 बजे उठने का, लेकिन आपकी ट्रेन है, अब ये कंपल्शन कैसे हुआ? तो आप क्या बोलेंगे कि मुझे सुबह 4 बजे उठना है। अब देखो, बोला तो क्या मैंने, मुझे 4 बजे उठना है, बोला तो ना है, नहीं है, नहीं है, लेकिन कंपल्शन कौन सा है? एक्सटर्नल। तो वहां पर हम इज टू एम टू आर टू से सेंटेंस नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे हैव टू से। आई हैव टू गेट अप एट 4 AM और आप आई हैव टू वेक अप एट 4 AM ऐसा भी यूज कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। अगर आपका अब भी कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में मालूम जरूर करें, ठीक है,
ओके तो हैज टू हैव टू का यूज कब करेंगे एक्सटर्नल कंपल्शन के लिए और इज टू एम टू आर टू का यूज कब करेंगे इंटरनल. सो डियर स्टूडेंट मैं दो सेंटेंसेस बोलता हूं आपको पहचानना है कि इसमें इंटरनल कंपल्शन किस में है और एक्सटर्नल कंपल्शन किस में है यानी कि किस में हैज टू हैव टू का यूज करेंगे और किस में इज टू एम टू आर टू का यूज करेंगे. तो पहला सेंटेंस है हमारा ठीक है मुझे आम खाना है. दूसरा सेंटेंस है मुझे छत से कूदना है. दोनों में ना है नी है आ रहा है. आपको पहचानना है कि एक्सटर्नल कंपल्शन किस में है और इंटरनल कंपल्शन किस में है. जल्द से जल्दी कमेंट कीजिएगा.